सौंप से राजी का जुमर का गया बांध भाई बहन बगर हो इन नंग मानी करसा लिखे जीरो जोरो देवता लिखे त्राल करा दर आज ऐतिहासिक राजी पाड़ा यात्रा समिति संचालन समिति की ओर से इस ऐतिहासिक पाड़ा यात्रा में आए हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का मंच की ओर से और संपूर्ण पाड़ा समाज की ओर से मैं इस मंच से उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस मंच में हमारे बीच रांची के सांसद दीपक प्रकाश जी का और साथ ही साथ पूर्व मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की जी का, साथ ही साथ वर्तमान में विधायक शिल्पा नेहा तिर्की जी का, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर जी का और हमारे बीच माननीय सांसद सुदर्शन भगत जी का और हमारे शिक्षाविद डॉक्टर कर्माराव जी का, राष्ट्रीय महासचिव विद्या सागर जी का और खूटी से चलकर यहाँ आई हमारी दुर्गावती ओडिया जी का, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती निर्मला भगत जी का और हमारे बीच युवा नेता सनी टोपो जी का और नेपाल से आए नेपाल देश के राजी पड़ा प्रार्थना सभा के अध्यक्ष रामकृष्ण उराव जी का तहे दिल से मैं इस मंच से स्वागत करता हूँ। बहुत ही मंत्री जी के पास कम समय है और हम लोग चाह रहे हैं कि उनको दिल्ली भी जाना है, बारिश के वजह से थोड़ा सा विलम्ब से पूजा हुई लेकिन पूजा बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से पूजा आराधना हम लोगों ने किया। आप सभी जानते हैं ये हजारों वर्षों का इतिहास है और यह मुड़वा यात्रा शक्ति स्थल उरांव मुंडाओं का धरोहर शक्ति स्थल है। आज हम लोग बड़ी ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन मुंडा जी हमारे बीच में मुंडा जनजाति से हैं। हम सब उरांव जनजातियों के लिए बड़ा गर्व की बात है। साथ में दुर्गावती ओडिया जी हैं, सोमा मुंडा जी हैं और आज सचमुच में ऐतिहासिक यात्रा और ऐतिहासिक हो गया। हम सभी मिलकर गुल्लू परिया मतलब आदिकाल के जो हमारी धरोहर ऐतिहासिक जो चिन्ह थी, पहचान थी, उसकी एकता को मजबूत करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच जितना भी धन्यवाद दें माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी का, हमारे बीच आज जो यह कार्यक्रम हम लोग देख पा रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी का, वर्तमान में हमारी जो विधायिका है शिल्पा नेहा तिर्की जी का और हमारे माननीय सांसद दीपक प्रकाश जी का भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारा शेर उड़ गया था और मैंने दीपक प्रकाश जी को कहा कि भाई हम तो पेड़ के नीचे पूजा करते हैं और हमारा उड़ गया है तो बना दीजिए, तो सचमुच में उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बनवा देता हूँ। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ मैंने माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी यहाँ हमारे बीच आया करते थे और आज सौभाग्य है हम सबों का कि हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की ओर से हमारे जो शिक्षाविद डॉक्टर कर्माराव जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारे बीच में ऐतिहासिक पाड़ा यात्रा समिति की ओर से और हमारा राष्ट्रीय सरना धर्म रक्षा अभियान की ओर से जो हमारा एक पहचान की लड़ाई अभियान जो हमने चलाया सरना धर्म कोड को लेके, हमारे बीच हम लोग चाहते हैं कि माननीय भारत देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष आज जनजातीय मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज लाखों की संख्या में हम चाहते हैं हमारी आवाज माननीय प्रधानमंत्री दी जग जाए कि हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी से नहीं, हम आदिवासी प्रकृति की उपासना करते हैं, हम सभी से प्रेम करना जानते हैं, सभी को इज्जत देना चाहते हैं और यह संदेश
माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं हमारे सरना धर्म गुट की आवाज को। और हम यह भी धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी का कि जब वो विधायक थे उनके प्रयास से उनके मेहनत से सरना धर्म कोड भी विधानसभा से पारित हो सका। आज हमारे बीच सभी बड़े नेता हमारे बीच में है, समाज इन पर गर्व करता है। चाहे हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हो या बंधु तिर्की जी हो, हम चाहते हैं कि पूरा हमारा समृद्ध झारखंड इनकी अगुवाई में और समृद्ध हो। आज हम चाहते हैं कि आप इस झारखंड की छोटा नागपुर की धरती में उरांव मुंडा का जो धरोहर है, यहाँ जितने भी श्रद्धालु आए हैं, जितने भी यहाँ पर जो हमारे दुकानदार बंधु आए हैं, व्यापारी जो आए हैं, उनके लिए यहाँ ना ठहरने के लिए व्यवस्था है, ना यहाँ का रास्ता सही है, ना शौचालय, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। डीसी साहब ने कल परसों मीटिंग में आए थे और हमने कहा कि डीसी साहब बहुत दिक्कत है, हम सब उनकी व्यवस्था चाहिए। उन्होंने कहा सरकार चाहिए कि सब कुछ व्यवस्था हो सकता है। तो मैंने कहा कि भाई हम, उन्होंने कहा आगे कैसे होता था, तो हम आदिवासी पहाड़ और कांदराओं और पेड़ के नीचे हम लोग पूजा आराधना करते हैं, ऐसा ही चलता आया है। तो उन्होंने कहा हम लोग सरकार को लिखेंगे और आपकी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम डॉक्टर कर्मा सर यहाँ पर आए और हमारे साथ सोमा मुंडा जी और समिति के अध्यक्ष जगराम उराव जी और पूर्व मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री भी आए, दुर्गावती ओडिया जी हैं और हमारे महासचिव विद्यासागर क्रिकेटा जी और जत्रा समिति के महासचिव रघुराम उराव जी, आप सभी आए। हम लोग मेमोरेंडम देना चाहते हैं कि यहाँ राज्य सरकार ने 2020 में विधानमंडल से पारित करके हमें सरना धर्म कोड को पारित किया और केंद्र सरकार को मैंने संशोधित किया है, आग्रह किया है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, पूरे भारत वर्ष में अन्य धर्म कॉलम में हम लोग को दिया गया था, उसमें 79 लाख लोगों ने अन्य धर्म कॉलम में लिखा था, जिसमें आप देखेंगे आंकड़ा सांख्यिकी तो 49.57 लाख सरना धर्म लिखा है। झारखंड में अन्य धर्म कॉलम में 42 लाख लोगों ने लिखा है, उसमें 41 लाख लोग ने सरना धर्म लिखा है। इस सबसे कुल मिलाकर के आप उड़ीसा में, बंगाल में और अन्य प्रदेश में 21 राज्यों में हमारा धर्म एक नया स्वरूप में उभर गया है। हम चाहते हैं और आप जानते भी हैं, इस क्षेत्र के आप हम लोग के जनप्रतिनिधि हैं, आप सभी को मालूम है कि ये राज्य में ही नहीं पूरे देश दुनिया में, बांग्लादेश में और नेपाल में सरना धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी जोरों पे है। सरना धर्म जिंदाबाद, धर्म कोड चाहिए, बोलिए जोर से, जो सरना धर्म कोड लागू हो, सरना धर्म कोड लागू हो, सरना धर्म कोड लागू हो, लागू हो, लागू हो। आज राष्ट्रीय आदिवासी सरना धर्म रक्षा अभियान में तमाम 40 देश के 40 सरना संगठनों के द्वारा सरना धर्म कोड के लिए और इस जतरा स्थल के सुंदरीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, सरना धर्म कोड लागू हो, लागू हो, लागू हो, सरना धर्म कोड लागू हो, लागू हो, लागू हो, सरना धर्म कोड लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो। राजी पढ़ा जत्रा स्थल के इस मुड़मा में ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए
रागी पड़ा यात्रा समिति और स्वधर्म अभियान में धर्म गुरु के रूप में लगातार समाज को जागरूक करते हुए आगे बढ़ाने वाले धर्म गुरु श्री वंदन टिक्का जी, महासचिव राजी पढ़ा यात्रा समिति, श्रीमान विद्यासागर केरकेटा जी, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आसाम के साथ साथ नेपाल से आए हुए इस ऐतिहासिक मुड़मा जानको श्रद्धे बंदन सिरकी जी ने टिक्का जी ने अपने उद्बोधन में दोहराते हुए कहा कि ये अनरिटन एग्रीमेंट मुंडा और उरांव का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां लिखा लिखत पढ़त में नहीं बल्कि शब्दों की प्रतिज्ञा है, शब्दों की प्रतिबद्धता है और शब्द को परंपरा के रूप में मानते हुए हम लगातार यहाँ पर मुड़वा यात्रा के रूप में हर साल एकत्रित होते हैं। यह वो स्थल है जहाँ से हमारी परंपराएं हमें जीवंत और हमें प्रेरणा और हमें ताकत देती है। हमारा यह शक्ति स्थल है, यह हमारा एक ऐसा स्थल जिसके बारे में शायद लिखा इतिहास कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन दंत कथाओं में, माताओं में, हमारे बुजुर्गों में कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। हमारी माँ बोलती थी कि उरा मतलब क्या, अरे जब इस मुंडा के क्षेत्र में उरांव का प्रवेश हुआ उन लोगों को कहा गया कि जो अंतर है पूरे पे मैंने आप खेत खलिहान बनाइए, आप वहां रहिए, आपका स्वागत है। और उरांव समुदाय आकर के ऐसा खेती बाड़ी करना प्रारंभ किया कि उड़ते उर हाल के ना मतलब खेत बनाते बनाते जो शुरू किया शाम से सुबह कर दिया और सुबह से रात कर दिया और रात से फिर सुबह कर दिया और खेत खलिहान बना करके भाई और भाई सौहार्द सहोदर रिश्ता बना करके इस धरती को सींचा जो कलांतर में झारखंड के रूप में उभर करके हमारे सामने दिख रहा। ये हमारी पहचान है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे जीवन में समाज का उदाहरण है जिस उदाहरण को लेकर के हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं और इसे हमें आगे लगातार लेकर के चलना है। आप बगल में आ जाइए, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। काके में जो उड़ाव रहते हैं वो मुंडा बनते हैं, वो क्या बनते हैं, वहां मुंडा लोग उड़ाव बनते हैं। आप जाकर के वहां देखिए आपको बहुत लोग मिलेंगे, जो उड़ाव है वो मुंडा बनते हैं, जो मुंडा है वो उड़ाव बनते हैं। ऐसा दोनों में एक सारे सम्मता आदि काल से चला आ रहा है जो हमारी परंपरा है। हम शब्दों को इतिहास बना करके जीने वाले आदिवासी हैं, ये हमारी पहचान और इस पहचान के साथ हम आगे। आज मुझे बेहद प्रसन्नता है, एक स्वधर्म जो आदि प्रकृति, आदि संस्कृति, आदि परंपराओं के साथ एक जीवन पद्धति को हम लेकर के चल। हमारी जीवन पद्धति क्या है? हमारी जीवन पद्धति पद और प्रतिष्ठा में नहीं है, हमारी जीवन पद्धति संपत्तियों में नहीं है, हमारी जीवन पद्धति प्रकृति में है। हम इस चीज को मानते हैं कि पद और प्रतिष्ठा संपत्ति शांति नहीं दे सकती, सुख नहीं दे सकती है, सुख उससे नहीं मिलता है। सुख मिलता है जब हम प्रकृति का अनावरण करता है, आलिंगन करते
कितनी ताकत है, जंगल में कितनी ताकत है, पर्यावरण में कितनी ताकत है, इस धरती माता में कितनी ताकत है, जो अपने उदर से निकल करके हमारे उदर को भरने का काम करता है, वो ताकत अगर कोई पहचानता है तो इस देश का आदिवासी पहचानता है। इसलिए आदिवासी होने का हमें गर्व है, और इसलिए मैं आज यहाँ पर आने का और आपके साथ सहभागी बनने का, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज नेपाल से हमारे आदिवासी भाई, और अभी आदरणीय धर्मगुरु बंदन टिक्का जी बता रहे थे, और मैं नेपाल के भाइयों से कहना चाहता हूँ, ऐसे तो यहाँ से देखा जाए तो बिहार सब करके नेपाल मिल जाता है, लेकिन एक देश की सीमा है और उस सीमा के अंदर जाने के लिए हमारी औपचारिकता है, और मैं निश्चित रूप से आपका संदेश लेकर के आपके नेपाल में मैं आपके बीच में निश्चित रूप से आऊंगा। इस बात के लिए मैं आपके बीच में वादा करूं। जहां तक अभी हमारे बीच में इन सारी बातों का उल्लेख किया है, निश्चित रूप से हमारी जागरूकता बढ़े, हम और संवेदनशील हो और चीजों को आगे बढ़ाए, हमारी प्रकृति के जो अपनी चरित्र है, क्योंकि आदिवासी का परिचय जिस चीज को हमने अभी चर्चा किया उसका परिचय उनका चरित्र है, उसका परिचय उनके जीवन पद्धति है, उसका परिचय उनका परंपरा है, उनकी जीवनता है, उनकी संस्कृति है, जिसके लिए लिखा पढ़ी करके हम नहीं बल्कि भावों से अभिव्यक्त करते हैं, पेड़ों की छांव में बैठ करके हम प्रकृति को निहारते हैं, प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति को समझते हैं, प्रकृति की भाषा को समझने का यदि किसी में सबसे ज्यादा ताकत है तो वह आदिवासी है, आदिवासी है, आदिवासी है, वह ताकत हमारे बीच में। और इसलिए ऐसे जो भी आपने कहा, मैं ये एजे मुंडा परिवार के सदस्य होने के नाते यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर एजे मंत्री मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ, बल्कि मैं उस शब्द को प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आया हूँ कि उराव और मुंडा का जो इतिहास है वो सूरज चांद की तरह हमेशा बरकरार रहेगा, ये बात ये वादा करने के लिए आपके बीच में आए। और आपने जो बातें यहाँ कही है इन सारे चीजों के लिए जागरूकता बढ़ाइए, आगे किस तरीके से होगा, मैं राजनीतिक वाक्यों में, क्योंकि इस समय बहुत तरह की बातें चलते रहती है और उसको लेकर के लोग आपस में आपसी तरीके से कई तरह की बातों को करते हैं, मैं उस बात के प्रति संवेदनशील हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि मैं आदिवासी हूँ, मैं संवेदनशील हूँ, और जब समय आएगा तो उस समय अपनी बातों को किस ढंग से, किस प्रकार से, कहाँ, कैसे, कब रखना है उसको हम निश्चित रूप से अपनी बातों को, प्रतिबद्धता को दोहराएंगे। मैं ये वादा करते हुए, मैं समय कम है, मुझे 6:30 बजे यहाँ से अनिवार्य रूप से निकलना है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, आप भीगते हुए आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आए हैं, अपने संस्कृति का, अपने उद्गार का, अपने भावनाओं का, अपनी परंपराओं का, अपने समृद्धता का, अपने संवेदनशीलता का, अपने समावेशी जीवन का, प्रकृति प्रेम को प्रदर्शित करने का, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय सरना, जय चला, बहुत बहुत धन्यवाद।